बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलावा दोस्तों, परवेज़ अकरम खातिब हूँ। दोस्तों, ये ऑरेंज की कलम लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो ऑरेंज की जो पैबंद है इसको लगा रहा हूँ। ये आप देखो, इसके बनाने का तरीका जो होता है वो ये है कि इसके अंदर से सही तरह से बनाएं और इसके अंदर से ये जो चीज़ है ये पीछे से बैक साइड इसकी वो करनी पड़ती है, और कोशिश करनी है कि लकड़ जो है कट से कट कम से कम हो, लकड़ इसके अंदर ना हो। लकड़ जो है ना इसके अंदर से रिमूव करनी है हर सूरत, यानी ये जो चीज़ है ये जो लकड़ है ना इसके अंदर से बिल्कुल खोखली करके कमज़ोर करके निकालनी है। ये दूसरा औजार यूज़ करता हूँ, जितना कम इसके अंदर आप छिलका बनाएंगे, छिलका ये जो लकड़ है और ये और इसकी जिल्द जो है ना इसके अंदर से अलग करनी है। ये पूरी नहीं करनी, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो हिस्सा है इसका ये छिलका इसके अंदर से अलग करना है, क्योंकि लकड़ जो है पूरे के नहीं बल्कि थोड़ी सी जो टुकड़ा है ना लास्ट स्टेज वहाँ से सिर्फ इसकी लकड़ जो है ना निकाल देनी है। ये कोशिश करें कि इसकी जो लकड़ है वो अलग हो जाए, ताकि ये देखें ये लकड़ निकाल के इसका छिलका कर दे। ऑरेंज की कलम के लिए कह रहा हूँ, बाकी नहीं, पूरी भी नहीं बल्कि कुछ हिस्से की जो है लकड़ इसकी अलग करनी है। ये करने के बाद इसका आप बहुत आसान तरीका है, इसका आप फेस बनाएं इस तरह से, इसकी जिल्द जो है ना इसको काट दें, यहाँ से लंबा करके इसकी जिल्द यहाँ से खोलें। अगर आप ये समझते हैं कि आपका पौधा जो है वो ऑरेंज की कलम के लिए तैयार है, तो उसका छिलका खुद ब खुद उतर जाएगा, आपके सामने छिलका निकल आएगा इसका, ये इस तरह से छिलका उठ जाएगा। ये आप इसके ऊपर गहरी नज़र रखें, कचरा इसके अंदर से निकाल देना है इस तरह से, और जितना लंबा करेंगे इतना ये आपके लिए ये अच्छा होता है। जितनी लंबी ये इसके अंदर बैठेगी इतना ये अच्छा रहेगा। कलम लंबी हो जाती है ये वीडियो, लेकिन ये कि चूँकि आपको पूरी डिटेल से बताना पड़ता है, ये इस तरह से पूरी बैठाएं इसके अंदर, पूरी सिरे से सिरे तक इसकी जिल्द बैठा दें आप। ये आप इसकी जिल्द जो है ना इस तरह पूरी इसके अंदर डाल दें, ताकि ये चमड़ा जो है इसको सही तरह से पकड़ ले। ये देखें आप, पूरा सील है ये, इधर से पूरी सील है ये, देखें आप ये लगाने के बाद इसके ऊपर आप ये टेप लगा लें अच्छे से, इसको एयर टाइट करना है। एयर टाइट आप समझते हैं कि पूरी तरह से इसकी कोई हवा जो है कहीं से भी इसके अंदर दाखिल ना हो, ये बंद कर दें बिल्कुल। ये जहाँ से आपने टाइट किया वहाँ से आप इसकी हवा बिल्कुल बंद कर दें, ये नीचे से, ये आप इस तरह की प्लास्टिक की टेप लेके टेप से इसका सिस्टम पूरा टाइट कर दें, ताकि इसके अंदर कहीं से भी हवा दाखिल ना हो। ये पूरी तरह से इसके साथ टाइट करके इसको एयर टाइट कर देंगे, ताकि कहीं भी जो है इसके अंदर ये ऑरेंज की कलम को लगाने के लिए आपको अच्छे किस्म के ऑरेंज लेके आए, कलमें लेके आए,
और आपकी प्लास्टिक जो है इस तरह से आप लगाएंगे कि ये इसके अंदर कोई हवा कोई चीज़ दाखिल ना हो सके। उसके बाद इसको ऊपर तक ले जाएं, पौधे के ऊपर ले जाएं, कलम के ऊपर ले जाएं, ताकि पूरी तरह से इसको हम बंद कर देंगे। कहीं से भी हवा दाखिल होने की कोई चांस नहीं है। दोस्तों आखिर में ये कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी किया करें। अच्छे अच्छे मैं आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ और मेरा मकसद ये होता है कि आप इससे सीखें और फिर आप आगे जो है अपने ज़मीनों पे अपने खेतों में कहीं भी आपके पास कोई चीज़ है तो आप इसके ऊपर लगाएं, ग्राफ्टिंग करें और फिर सील कर दें इसको। आप कहीं से भी इसको इसके अंदर पानी जाने की या कोई चीज़ बाकी नहीं है तो इसका पानी बिल्कुल बंद करना है, हवा बंद कर देनी है और ये यहीं से पता निकल आएगा। तो आखिर मैं दोस्तों से कहूँगा कि दोस्तों शुक्रिया आप सबका, आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।